चल रही है और इसमें सबका ही सहयोग है, मीडिया का भी सहयोग है, जो प्रदर्शन पे बैठे हैं वो भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है और एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और यही अपील हमारी सबसे रहेगी और सबसे ज़रूरी है कि हमें जो है जनता का सहयोग मिल रहा है। थोड़ी भी कोई परिस्थिति होती है, परेशानी होती है तो वो सहयोग के लिए आगे आते हैं। यही किसान नेता भी खुद चाहते हैं कि धरना और आंदोलन जल्दी समाप्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन इस संबंध में, जिला प्रशासन से आप पहले ही बातचीत कर चुके हैं और वो अपना इस मामले में जो भी उनका नजरिया वो पेश कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता मुझे अलग से कोई और इस पर टिप्पणी देने की। लगातार पुलिस कर्मचारियों के बीच में आप जा रही हैं, उनमें जोश भरने का काम कर रही हैं, क्योंकि 24-24 घंटे पुलिस कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, महिला पुलिस कर्मचारियों की टूटियाँ भी लगाई हुई हैं। हाँ देखिए, ऐसा कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हमें जितना लगा फोर्स की जरूरत है हमने लगा रखी है। रही पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के बीच में जाने की बात, तो ये हमारी अपनी फोर्स है, मेरी एसपी साहब की, हमारी अपनी, हमारे नीचे काम करने वाली फोर्स है। जितना ये सख्त ड्यूटी है और जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं और अपना संयम नहीं खो रहे, धीरज नहीं खो रहे, कोई अगर उनको उकसाने की कोशिश करता है फिर भी अपना संयम बना के रखते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम भी उनके वेलफेयर का और उनकी सुविधा का ख्याल रखें। चल रही है और इसमें सबका ही सहयोग है, मीडिया का भी सहयोग है, जो प्रदर्शन पे बैठे हैं वो भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है और एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और यही अपील हमारी सबसे रहेगी और सबसे ज़रूरी है कि हमें जो है जनता का सहयोग मिल रहा है। थोड़ी भी कोई परिस्थिति होती है, परेशानी होती है तो वो सहयोग के लिए आगे आते हैं। यही किसान नेता भी खुद चाहते हैं कि धरना और आंदोलन जल्दी समाप्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन इस संबंध में, जिला प्रशासन से आप पहले ही बातचीत कर चुके हैं और वो अपना इस मामले में जो भी उनका नजरिया वो पेश कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता मुझे अलग से कोई और इस पर टिप्पणी देने की। लगातार पुलिस कर्मचारियों के बीच में आप जा रही हैं, उनमें जोश भरने का काम कर रही हैं, क्योंकि 24-24 घंटे पुलिस कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, महिला पुलिस कर्मचारियों की टूटियाँ भी लगाई हुई हैं। हाँ देखिए, ऐसा है कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हमें जितना लगा फोर्स की जरूरत है हमने लगा रखी है। रही पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के बीच में जाने की बात, तो ये हमारी अपनी फोर्स है, मेरी एसपी साहब की, हमारी अपनी, हमारे नीचे काम करने वाली फोर्स है। जितना ये सख्त ड्यूटी है और जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं और अपना संयम नहीं खो रहे, धीरज नहीं खो रहे, कोई अगर उनको उकसाने की कोशिश करता है फिर भी अपना संयम बना के रखते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम भी उनके वेलफेयर का और उनकी सुविधा का ख्याल रखें। देखिए, जिला पुलिस का और जो अभी जहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है, हमारा मुख्य दायित्व यही है कि आपस में शांति बनी रहे और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे और साथ ही पब्लिक को भी बिल्कुल परेशानी ना हो, ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। रात दिन हमारी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है, साथ ही जो किसान नेता यहाँ पर जो रात में भी रहते हैं और जो दिन में भी रहते हैं, उनसे भी हमारा समन्वय बना हुआ है ताकि आपसी किसी प्रकार की टकराव की स्थिति ना बने। कल किसान संगठनों की मीटिंग है करनाल में, तो कुछ अहम फैसला ले सकते हैं और वो भी चाहते हैं कि आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो, तो इस पर क्या कुछ दोबारा से कोई आज मीटिंग होने के चांसेस हैं? देखिए, प्रशासन ने पहले भी बातचीत की थी और अल्टीमेटली इसका जो मामले का समाधान है वो बातचीत के जरिए ही निकलना है, तो उस संबंध में भी प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारी जो पुलिस का जो दायित्व है वो भी पुलिस अपना लगातार निर्वहन कर रही है। तो लोगों से किस तरह की अपील करेंगे सर? शहर के लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, हालांकि अब सिस्टमेटिक तरीके से धरना चल रहा है, किसी को ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही, तो उसको लोगों से क्या कहना चाहेंगे शहर के लोगों से? देखिए, जितने भी हमारे करनाल वासी हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि किसी प्रकार से पैनिक ना हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई परेशानी नहीं हो तो हमारे पुलिस कंट्रोल रूम पे संपर्क कर सकता है या डायल 112 पे भी कॉल कर सकता है। तो बिल्कुल